अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देव, तुमने हमें भरोसा दिलाया कि हम अपनी बेटी को मना सकते हैं। हमें पूरा यकीन है आज हम उसकी नाराजगी जरूर दूर कर देंगे और फिर उसे अपने घर लेकर आएंगे। दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे देव, और एक साथ खेलेंगे कूदेंगे, पूरे घर में धमाल मचा के रखेंगे। तुम्हारे चेहरे पे ये हंसी, ये खुशी, ये मुस्कुराहट देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे चेहरे से ये हंसी, ये खुशी कभी ना जाए, बरकरार रहे ऐसे। खुश तो हम होंगे आज हमारी बेटी जो लौट के वापस आ रही है। देव, देव, हमारा परिवार पूरा हो गया। तुम, हम, बुलबुल, सरगम, हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, एक बात का डर जरूर है। हमें डर है कि कहीं हमारी इन खुशियों पर हमारी खुद की नजर न लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक सेकंड। कहाँ जा रहे हो देव? यहाँ क्या हुआ? बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नींबू मिर्ची। नजर उतार ताकि हमारी बारों को, हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को नजर कभी ना लगे। और सुनो, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक ना तुम्हें कुछ होने दूंगा, ना अपने परिवार को और ना ही अपने बच्चों को। देव, ये भोलेनाथ ये कैसे? देखो, पर संभल के ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? खुशियों की बात चल रही है तो मैं भी जानना चाहूंगी, तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है पारो, ताकि मैं अपनी नजर ना लगा सकूं। तुम्हें जितने खेल खेलने थे तुम खेल चुकी होंगी, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जानते हैं हम तुम सुधर तो सकती नहीं हो, मगर संभल जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। आइयो, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब मजा आएगा। अब बस कुछ देर और, उसके बाद हम अपनी बेटी को अपने साथ घर लेके जाएंगे। बिल्कुल। सरगम, बाबा जी, हम हैं, पारो। कोई खोल ही नहीं रहे। दरवाजा बाहर से किसने बंद किया होगा? अंदर चल के देखते हैं ना। हाँ। सरगम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। देविया, नहीं, वो शायद अंदर होंगे ना, हम बुला के लाते हैं। सरगम, शांत हो जाओ। नहीं, हमारे बच्चे खतरे में, हमारे बच्चे हमारे पास तो हमारे देव, हमारी बच्ची का। आप लोग कौन? हम तो यहाँ कुटिया में ताला लगाने आए थे, देखा तो दरवाजा खुला। काकी जो यहाँ रहते थे हम उन्हें जानते हैं, वो बाबा और हम, वो बच्ची बाबा के साथ बच्ची रहती थी, वो दोनों कहाँ है? बेटा, आज सवेरे ये लोग सब जगह छोड़ के चले गए।
हमको ताला लगाने को बोल गए थे। सरगम बिटिया चलो। नहीं हमें नहीं जाना, हम यहाँ से क्यों जा रहे बाबा? ये सवाल मत पूछो, बस चलो यहाँ से जल्दी। अरे बाबा जी इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं आप? सब ठीक तो है? सब ठीक ठाक, बस एक आवश्यक काम आ गया था, हम वही करने जा रहे हैं। हमें हमारी ताला चाबी नहीं मिल रही है, तो आप हमारी कुटिया के दरवाजे पर अपना ताला लगा दीजिएगा, ठीक है? सगम बेटिया चलो आ जाओ। आ बेटी कहाँ गए? कुछ कहाँ गए ये तो नहीं पता, पर बाबा जी बहुत ही घबराए हुए थे, हड़बड़ी में थे, जैसे उन्होंने किसी भूत को देखा हो। इन सब के पीछे वो मोहिनी होगी, जानते हैं हम। लेकिन आप दोनों कौन हैं? आप जानते हैं इसके पीछे कौन है? बस थोड़ा वक्त और, फिर ये दोनों बच्चे 7 साल के हो जाएंगे, और हम और मैं और हमारा एक छोटा सा परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक साथ। जो औरत एक बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दे उसे न परिवार बनाने के सपने देखने चाहिए और ना ही उसे कोई हक होता है। आ गई तुम, मुझे पता था जरूर आओगे। हमारी बेटी कहाँ है मोहिनी? बताओ नहीं तो जान ले लेंगे तुम्हारी। कहाँ है सरगम? क्यों उसके लिए इतना गुस्सा हो रही हो जो तुम्हारी बेटी है भी नहीं? पारो तुझे जितनी कोशिश करनी है कर ले, पर तू सरगम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वो तुझसे बहुत दूर जा चुकी है। कहा है सरगम? तुझे अच्छे से पता है कि मुझे कोई मुंह नहीं है और मेरे अंदर कोई ममता नहीं है। इतना याद रखना, एक बच्ची को पाने के चक्कर में अपनी दूसरी बच्ची खो देगी तो अगर मैं मरी तो बुलबुल भी जान से जाएगी। पारो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरगम के प्यार में तू अंधी हो गई और तुझे तेरी दूसरी बेटी का प्यार नहीं दिखाई देता? ममता खत्म हो गई क्या तेरे अंदर? एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया तुमने, घिन आ गई हमें तुम पर। बहुत ही अजीब किस्मत है तुम्हारी पारो, बेटी सामने है लेकिन उसे देव की बेटी समझती हो, और जिस बेटी के लिए रो रही हो उसे ढूंढ रही हो तड़प रही हो वो तो तुम्हारी बेटी है भी नहीं बल्कि देव की बेटी है। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।